शहर के खोलेश्वर परिसर में दो सांडों के बीच जोरदार टक्कर हुई। लगभग आधा घंटे तक चली इस टक्कर के कारण परिसर के नागरिकों में खौफ निर्माण हुआ था। शहर में बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों के झुंड नजर आ रहे हैं। यह देखते हुए महापालिका के कोंडवाड़ा विभाग की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान निर्माण हो रहा है। अकुला शहर में है तो सांडों से बच के रहे, ऐसा हम नहीं कह रहे, घटनाएं कह रही हैं। मंगलवार सुबह शहर के खोलेश्वर परिसर में दो सांडों ने जमकर उत्पात मचाया। सांडों के बीच टक्कर लगने से सड़क किनारे खड़े कुछ वाहन गिरने से टूट फूट हो गई। परिसर के लोग खौफ ज्यादा रहे, जबकि वाहन चालकों को बचते हुए निकलना पड़ा। परिसर के नागरिकों ने चिल्ला पुकारा कर सांडों को भगाना चाहा। इस बीच दोनों सांड आक्रामक हो गए और जोर जोर से एक दूसरे से टकराते रहे। करीब आधे घंटे तक चली लड़ाई मुश्किल से शांत हो गई। एक सांड हार मानकर खड़ा हुआ। बता दें कि शहर के सभी व्यस्ततम चौराहे तथा मुख्य सड़कों पर आवारा मवेशियों के झुंड नजर आते हैं। विशेषतः खोलेश्वर परिसर, जिलाधिकारी कार्यालय, गांधी चौक आदि परिसरों में बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों का जमावड़ा नजर आता है। शहर में बेसहारा पशुओं की तादाद काफी बढ़ गई है। शहर की व्यस्ततम सड़कों पर यह आवारा मवेशी झुंड बनाकर घूमते रहते हैं या फिर बीच सड़क पर बैठ जाते हैं, जो हादसे का कारण बन रहे हैं। यह पशु राह चलते लोगों को टक्कर मारकर घायल कर देते हैं। इन आवारा मवेशियों पर कार्रवाई करने का काम महापालिका के कोंडवाड़ा विभाग का है, लेकिन शहर में इतनी बड़ी संख्या में आवारा मवेशियों की संख्या को देखते हुए महापालिका का कोंडवाड़ा विभाग अस्तित्व में है या नहीं, यह सवाल निर्माण हो रहा है। महापालिका के कोंडवाड़ा विभाग के कर्मचारी पिछले कई दिनों से आवारा मवेशियों पर कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। यह देखते हुए महापालिका के कोंडवाड़ा विभाग के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह निर्माण हो रहा है।